बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास फाइव स्टूडेंट्स, आई एम योर असिस्टेंट टीचर मिस फरीहा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओपन द पेज नंबर टू। आर फर्स्ट चैप्टर इज़ मैप्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर मैप्स जो है हमने थॉरली रीड भी किया था और एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। Now come to the board. Now students, here are some difficult words. Number one word is latitude. Yes, students, pronounce with me, latitude. What is the meaning of latitude? The meaning of latitude is breadth. Yes, breadth को उर्दू में क्या कहते हैं? Breadth को उर्दू में चौड़ाई कहते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ की चौड़ाई। नंबर टू वर्ड इज़ लॉन्गीट्यूड। येस, लॉन्गीट्यूड। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉन्गीट्यूड? द मीनिंग ऑफ लॉन्गीट्यूड इज़ लेंथ। वॉट इज़ द उर्दू मीनिंग ऑफ लेंथ? द उर्दू मीनिंग ऑफ लेंथ इज़ क्या होती है? लंबाई। किसी भी चीज़ की लंबाई को हम नॉर्मल वर्ड में लेंथ कहते हैं, लेकिन हम अपनी सोशल स्टडीज़ की टर्म में हम इसको क्या कहेंगे? Longitude. Yes. Number three word is equator. What is the meaning of equator? The meaning of equator is center of the earth. यानी ज़मीन का मरकज, center, middle of the earth भी कहा जाता है, center of the earth कहा जाता है और ज़मीन का मरकज भी कहा जाता है। Number four word is zero meridian. What is meridian or zero meridian? Here are complete definition of zero meridian. The starting point for measuring distances both east and west around the earth is called zero meridian. Zero meridian kise kaha jata hai students? East or west ki जो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, जो कि पूरे अर्थ पे होती हैं, ठीक है, उसको ज़ीरो मेरिडियन यानी स्टार्टिंग पॉइंट को, एक तरीके से सिंपल वर्डिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम जो है वो ज़ीरो मेरिडियन कहते हैं। लास्ट वर्ड इज़ एटलस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटलस? बुक ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एटलस। बुक ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एटलस यानी अगर हम उर्दू में बात करें तो इसके मीनिंग है नक्शों की किताब, यानी जिसमें बहुत सारे और हर तरीके के, हर टाइप के, हर काइंड के नक्शे मौजूद होते हैं, उसको जो है हम एटलस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो कर रही हूँ और उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लैटिट्यूड, लॉन्गीट्यूड, इक्वेटर, ज़ीरो मेरिडियन और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको समझाऊँगी। नाउ कम टू द पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइंस जो आप लोगों को शो हो रही हैं, ये इस तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ, दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इन लाइंस को लैटिट्यूड कहा जाता है और मैंने बताया था आपको, अगर हम नॉर्मल वर्डिंग में इसकी बात करें तो हम नॉर्मल वर्डिंग में इसको ब्रेथ कहते हैं या चौड़ाई कहते हैं, लेकिन हम इसकी टर्मिनोलॉजी में, सोशल स्टडीज़ की, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर सेकंड पिक्चर इज़ लाइंस ऑफ लॉन्गीट्यूड। ये जो लाइंस हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो आ रही हैं, इसको हम लाइंस ऑफ लॉन्गीट्यूड भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं और उर्दू में लंबाई भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दिस पिक्चर शो इक्वेटर। येस, सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी हमने रीड किया था, वॉट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? द सेंटर ऑफ द अर्थ कॉल्ड इज़ इक्वेटर। येस, हम जो सेंटर होता है अर्थ का उसको हम इक्वेटर कहते हैं या मरकज़ कहते हैं और सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, लेकिन इसके प्रॉपर जो वर्ड यूज़ करते हैं हम वो इक्वेटर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस पिक्चर शोज ज़ीरो डिग्री मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन। ज़ीरो डिग्री मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और ये जो है ये ज़ीरो डिग्री मेरिडियन की लाइन है और ये ज़ीरो डिग्री मेरिडियन कहलाता है और इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है ये वाली जो 0 डिग्री मेरिडियन की जो लाइन है किसको पास कर रही है, इट पास थ्रो ग्रीनविच इंग्लैंड या लंदन। ये लंदन के जगह को, लंदन की एक जगह है, प्लेस है जिसका नाम ग्रीनविच है। ये 0 डिग्री मेरिडियन इसको पास करते हुए गुजर रही है, इसको इसके पास से गुजर रही है। तो ये जो पॉइंट शो हो रहा है ये ग्रीनविच लंदन कहलाता है या ग्रीनविच इंग्लैंड कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये थॉरली समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द असाइनमेंट, दिस इज़ योर असाइनमेंट क्लास 5, मेक अ टाइटल पेज ऑफ मैप्स, चैप्टर मैप्स। नंबर 1 वर्क इज फिल इन द ब्लैंक्स। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिए, लैटिट्यूड ब्रेथ को कहते हैं या लंबाई को कहा जाता है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट राउंड द वर्ल्ड। ये जो लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बराबर की जो लाइंस होती हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, जिनको हम ब्रेथ भी कहते हैं या चौड़ाई भी कहते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट इज़ द 0 मेरिडियन पासिस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच इन लंदन। ये जो 0 मेरिडियन है किसको पास कर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, ये एक इंग्लैंड की जगह है या लंदन की एक जगह है जिसको ग्रीनविच कहा जाता है। नंबर 3 स्टेटमेंट इज़ द डैश ऑन अ मैप शोज़ अस डिस्टेंस एंड साइजेस। किसी भी मैप को समझने के लिए और उसके डिस्टेंस और साइजेस को देखने के लिए ज़रूरी है कि उस मैप में स्केल शो होता है। द स्केल ऑन अ मैप शोज़, यानी जो स्केल है वो किसको शो करता है, डिस्टेंस को और साइजेस को। नंबर 4 पॉइंट इज़ द की ऑन अ मैप टेल्स अस व्हाट सिंबल्स एंड कलर्स मीन। जो की होती है किसी भी मैप में तो वो सिंबल्स को और कलर्स को शो करती है। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में भी ये बताया था कि ब्लू लाइंस जो हैं वो किसको शो कर रही हैं, ब्लू लाइंस जो है वो वाटर को शो करती हैं, रिवर को शो करती हैं। इसी तरह जो ग्रीन जो कलर होता है मैप में वो आपके फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को शो करता है, ग्रीनरी को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, और जो ब्राउन कलर होता है वो डेजर्ट्स को शो करता है। नंबर 5 इज़ द 180 डिग्री मेरिडियन इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट द 0 डिग्री मेरिडियन। जो 180 डिग्री मेरिडियन होता है स्टूडेंट्स, वो जो है 0 डिग्री मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नंबर 2 वर्क इज़ वर्ड्स सेंटेंसेस। नंबर 1 वर्ड इज़ एटलस, यानी नक्शों की किताब। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एटलस। जो नक्शों की किताब होती है उसको हम एटलस कहते हैं। नंबर 2 इक्वेटर, यानी मरकज। सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड इक्वेटर, यानी जो मरकज होता है, जो सेंटर होता है ज़मीन का, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। नंबर 3 सर्कल, उर्दू मीनिंग क्या है, दायरा। देयर आर 360 डिग्रीज इन अ कम्प्लीट सर्कल। 360 डिग्री जो है वो एक कम्प्लीट सर्कल बनाती है। नंबर 4 माउंटेन, माउंटेन की मीनिंग आप लोगों को पता है, पहाड़। माउंटेन्स आर बिगर दैन हिल्स। माउंटेन्स जो होते हैं वो हिल्स से बड़े होते हैं। नंबर 5 प्लेस, प्लेस मीनिंग, प्लेस की क्या मीनिंग है, जगह। वी फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप। हम किसी भी प्लेस को कहाँ फाइंड करते हैं, यस, हम मैप में फाइंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑन वेरी नेक्स्ट पेज पुट द हेडिंग ऑफ जंबल एंड करेक्ट लेटर्स। आपको यहाँ पर 5 जंबल लेटर्स दिए गए हैं, उनको आपको करेक्ट करके करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है, लिखना है। जंबल लेटर्स में नंबर 1 क्या है आपका, लॉन्गिट्यूड। नंबर 2 है लैटिट्यूड। नंबर 3 ईस्ट। नंबर 4 वेस्ट। एंड नंबर 5 स्केल। यस स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पूरा वर्क असाइनमेंट थॉरली समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।